प्रिया धीर रुकर दे दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली में पीएम मोदी ने एम्स में कोरोना वैक्सीन लगवाई, लोगों से की अपील, बेफिक्र होकर लगवाएं टीका। बजट वेबिनार में बोले पीएम मोदी, सरकार के फैसलों में विजन दिखता है, किसानों को सही मार्केट देना समय की जरूरत। पीएम मोदी ने आगे कहा, फूड प्रोसेसिंग के साथ साथ छोटे किसानों को भी आधुनिक मशीनों की मदद मिले। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने दी बधाई। पीएम मोदी की वैक्सीन लगवाने पर बोले संबित पात्रा, ये विश्वास पैदा करने वाली तस्वीर है। आईएमए ने केंद्र सरकार से कोविन पोर्टल को और यूजर फ्रेंडली बनाने की अपील की। अकाली दल का पंजाब विधानसभा की तरफ मार्च, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। मनप्रीत बोहरा ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए। तमिलनाडु में स्कूली बच्चों के संग पुशअप्स लगाते नजर आए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। राहुल गांधी का तन, जनता के लिए मोदी सरकार के विकल्प, व्यवसाय बंद कर दो, चूल्हा फूको, जुमले खाओ। कानपुर में यूपीएसटीएफ ने चर्चित बिकरू कांड में विकास दुबे के 6 सहयोगियों को किया गिरफ्तार। चेन्नई में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। बिहार में सीएम नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने ली कोरोना वैक्सीन की डोज। मुंबई मजिस्ट्रेट ने जारी किया कंगना रनौत के खिलाफ जमानती वारंट। जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे गौतम नवलखा, 3 मार्च को होगी सुनवाई। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने 7 जिलों में नियुक्त किए कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष। साल 2019 में मिस इंडिया दिल्ली रही मानसी सहगल, आम आदमी पार्टी में हुई शामिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना से देश में पिछले 24 घंटे में 15,510 नए मामले आए सामने, 106 लोगों की हुई मौत। शेयर बाजार में अच्छी तेजी, 648 अंकों की उछाल के साथ खुला सेंसेक्स। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसे और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।